बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ान ये फ़ियाटो इलेक्ट्रॉनिक्स मुल्तान, आपको इंशाल्लाह कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें आपको बताया करेंगे। आज आपको थोड़ा सा, कल आए थे गाड़ी के लिए काम, गाड़ी में मसला ये था, सारा काले खोला हुआ था इन्होंने, मसला ये था कि ये बैटरी पीती थी ज़्यादा गाड़ी ये, तो कस्टमर कहता है कि अगर गाड़ी खड़ी कर देते हैं तो 3-4 घंटे के बाद गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। और इन्होंने चेक किया तो इन्होंने मेरे से रابطہ किया इलेक्ट्रिशियन ने, तो मैं यहाँ पहुँचा, मैंने चेक किया तो ये लगा हुआ नीचे कैन फ्यू बॉक्स, तो आपको नज़र आ रहा होगा अंधेरा है और वायर की बैटरी भी लो है, अब आपको नज़र आ रहा होगा। और उसका ये उसका बोर्ड है, दे रहा है ना, ये आप देख सकते हो। ये नीचे दो सिस्टम है इसके, एक ये लगा हुआ है और एक इसके नीचे लगा हुआ है, आपको मैं खोल के दिखा देता हूँ। ये अच्छा, इसमें ये फंक्शन होता है इसके अंदर कि 20 से 25 सेकेंड ये लोड लेगा कंप्यूटर जो है, 20 से 25 सेकेंड, और 20 से 25 सेकेंड के बाद ये चीज़ ट्रिप हो जानी चाहिए, इसको बल्ब जो है जो हम बाहर हम अक्सर बैटरी के साथ लगाते हैं वो शो नहीं होना चाहिए। अगर हम मीटर के पे चेक करें तो मल्टीमीटर पे अम्पेयर चेक करें तो ये कम अज़ कम 150 से ऊपर अम्पेयर ले रही थी, ठीक है, और इसको लेने चाहिए कम से कम कोई 5 से 10 अम्पेयर इसको लेने चाहिए। तो अब फॉल्ट कहाँ है, फॉल्ट इसका जो मेन आईसी है नीचे उसके अंदर मसला है, ठीक है, वो इसको ट्रिप कराता है इस पावर एसी को, जिसकी वजह से वो सप्लाई लेना छोड़ देता है। ये वो सप्लाई है जो इसमें हर वक्त रहती है गाड़ी के अंदर, ये ऐसी वो है जो आपका पुश स्टार्ट और रिमोट का फंक्शन इस आईसी में है, ठीक है, ये हर वक्त ऑन रहता है, ये वाला बोर्ड नीचे वाला जो आईसी है ये हर वक्त ऑन रहता है, तो इसलिए बाद थोड़ी देर के बाद जब मेमोरी जब सेफ हो जाती है इसकी तो उसके बाद ये ट्रिप करा देता है आईसी के पीछे, लोड वोल्टेज लेना कम छोड़ देता है, और ये वोल्टेज मुसलसल लेता रहता था, इसमें ये फॉल्ट था, मुसलसल ले रहा था वोल्टेज और बैटरी जारी बात ख़त्म हो रही थी। अब हमने इसको ख़त्म किया आईसी को, ये देख लो आपने, हमने डिस्कनेक्ट किया इसको, अब हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा आईसी लगा दिया, यहाँ पे ये हमने किट बनाई हुई है तो एक्स्ट्रा ये किट हमने लगा दी है, और ये किट बाज़ार से भी मिल जाती है, ज़्यादा महंगी नहीं है किट, ये या कोई 100 रुपये की या 60-80 रुपये की इस तरह किट है ये, और आप इजीली लगा सकते हैं, कोई अगर आपसे हल नहीं हो रहा जनता तरीके से आप ये चीज़ लगा सकते हैं, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है सिप्लाई ये। और थ्योरी इसकी ऐसी थी कि ये दो सिप्लाई हैं, एक हारन की है और एक BCM उसकी सिप्लाई है, दोनों फ्यूज़ उतारते थे तो बैटरी लेना छोड़ देता था, तो दोनों इस डाइवर्ड पे, इस डाइवर्ड से होते हुए इस FAT पे, यहाँ से होते हुए इस FAT पे, यहाँ से डाइवर्ट से होते हुए इन कैपेसिटर पे, तो ये इस 12 वोल्ट इस पे, यहीं से 5 वोल्ट होके इस सिस्टम के अंदर आ जाते थे, ठीक है। ये हो गई आज की मालूमात जो हमने आपको दी, उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह आपको पसंद आई होगी। और ये भी इसका ये 5 वोल्ट आईसी है, ये जो इसको दे रहा है, इस सिस्टम को दे रहा है, जो ये सिस्टम है उसको ये वाला आईसी दे रहा है, ठीक है, इसी तरह का ये आईसी होता है जैसे ये है, वहाँ से हमने उतारा जो। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और इंशाल्लाह कोई भी ऐसा मसला हो हमें कमेंट्स ज़रूर दें, और कोई ऐसी बात पूछनी हो हमें मैसेज में लिखें, हमें हमारे से पूछें, आप इंशाल्लाह ज़रूर आपकी रहनुमाई करेंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल कीजिएगा।